सर क्या कर रही हो? खुद की चीजें देखती है सबसे पहले तो, बस जो काम लेने, जो चीज लेने आए उसको लो पहले। दो ही लेने थे, तो हमने दो का मसाला लेने हैं और भी खरीदेंगे अभी बाहर से। ये भी सही है ना, और ये भी सही है, और देखो आगे ये भी सही है। नहीं ये 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 अच्छी है, इनमें से वैसे अगर पांच पान ले ले, एक तो पांच तो इसमें से ले ले, चल वो ही ले ले फिर, यही मिनट वो सिंपल सही रहेगी। हाँ सिंपल सी है ना, दे दे, चलो फिर चलते हैं भाई। गाइज रात के 10 बज चुके हैं और आप ये देख सकते हो बाहर का व्यू। और गाइज मैं जा रहा हूँ सुबह गांव, तो मिंटू मेरे कपड़ों की प्रेस कर रही है भाई, और डूगा भी इधर उदास हो रहा है, और इधर यीशु भी ऐसे लग रहा है। मैं इससे तो बात नहीं करती, भाई जाना मैं इससे तो बात नहीं कर रही, क्योंकि हमारे दिन में लड़ाई हो गई थी, तो ये मेरी लड़ाई के चक्कर में गांव जा रहा है। कोई बात नहीं, चला जाएगा, फिर भी खैर कोई बात नहीं, प्रेस तो कर देती हूँ कपड़ों की, इसलिए ना मैं सोच रही हूँ चल प्रेस तो कर ही देती हूँ, याद तो करूँ कब से। ये बोल रही तू कहाँ जा रहा है? मैं गांव जा रहा हूँ काका के पास। हाँ काका के पास जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा? कल जाएगा, कल जाएगा, बोलो, अरे कल जाएगा मामू, कल जाएगा। बोलो काका को ले आना, काका को लेके आऊँ? काका बेटा सुबह ही बहुत याद करेगा तू मेरे को, बहुत याद करेगा। ये किसकी है? ये बड़ी मामी की है, ये छोटी मामी की। अरे चूड़े की राखी है ना, एक ही दो, वाह अच्छी राखी, इसको मत दे ऐसा भी, अभी अभी बोई तो पड़ गया ना चक्कर, अब लेगी नहीं माने कभी भी। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं आपको बता दूं सुबह के 4 बज गए, तो ना विष्णु अभी गांव जा रहे हैं, ईशु के पापा भी आ गए। ईशु के पापा डेली तो लेट ही आते हैं 9 बजे तक, पर विष्णु के लिए आ गए, तो नहा भी लियो विष्णु। विष्णु 3 बजे से नाच तो डोल रहे भगवान का, चाओ नहीं चाओ की बात तुम तो कहीं जा, हमेशा ट्रेन को यही सीट होते, भाग 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 जल्दी कर, गेट बंद नहीं, माज पहली बढ़िया ना दोल बैठ जो आवतर सब क्रिया में ना, फ्री कौन है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये सुन तो ले, मेरे पास ये 1 मिनट की जी कॉल किया 3 बजे ही, तो मैं की जी मैं कॉल कर रहा हूं, अनियन 3 बजे ही कॉल कर रहा है मेरे भाई, 1 मिनट की जी मैंने भाई के फोन कर ले, रात सो चाल हो गई जाने, घर वाले वेट कर रही हो गांव में आके, इस तरह से वेट कर रहे थे, चाल लग रहा है गांव जाने का, 1 महीने से ज्यादा हो गया आपकी परमिशन तेरे को, 1 महीना हो गया तो ठीक है, गांव से ले जा रहा है और 28 तो गाइस अब आप लोगों को मैं 5-7-10 दिन नहीं दिखूंगा ब्लॉग में, मिंटू और यही दिखेंगे, तो सपोर्ट करना इनको खेदित मार गाय जन ना, अयत कौन कर था ना, बोलो खेदा खेदा गाय कर दीजिए सपोर्ट यार है ना, और 10 दिन थोड़ा ब्लॉक, 10 दिन अरे छोटा 7 दिन आ जाए, आईडियो दे जा 10 दिन भाई, फिर ये क्या होगा भाई यार, तू तो 10 दिन के लिए बोल रही हो तो जल्दी है वो, मतलब लेट आए हो, मैं 5 तारीख तक वापस आ जाऊंगा, और साला सबसे बड़ा सदमा गाइज इन लोगों को लगेगा, इन दोनों को लगेगा सदमा के यार गया, और सबसे बड़ा इसको लगेगा, यीशु तो समझदार हो गई ना, अब यीशु तो सोचती भाई जा रहा था आ जाएगा ना, और डूगू करेगा छोनू हर लेटरिंग में, हर बाथरूम में, हर जगह, हर कमरा में, छुनो ओ छुनो रियलिटी से भाई थारी सुन देखो ना, तुम तो बस छुनो छुनो देखो, रात में मारगन को सो रही गने सोच, मारगन थारी सो कत्ते भी को सो, बस मैं क्या करूं, वो को तेर कम तो कभी अच्छे ना लगे सो, वो मन छुनो से तेर कम तो छोटे सी ना, वो को सब 2 महीना तेरे पास सोई थी, 2 महीने के बाद सोई तेरे पास कभी, हो क्या को सोई थी बात कर रहे, 2 महीना बाद तो मेरे पास आकर सो, तो गाइस
चाय बना दी मिंटू ने, अभी ट्रेन का टाइम भी हो गया तो मैं निकल रहा हूँ चाय पी के। टिकट क्लियर है, बोलते रहो। हाँ हो गया, ये सही। तो खड़ो खड़ो गाइस, बाय बाय। चार पाँच दस मतलब पाँच सात दिन के लिए बाय बाय, और अब आएंगे इसके ब्लॉग। तो गाइस अकेले को अच्छे से सपोर्ट करना, जैसे भी दूंगी जैसे भी आएंगे, बस सुबह से चालू हो जाओगे शाम के खत्म कर दे। चाय का मजा कैसे आता है? चाय का मजा किस तरह से पीने से आता है? ऐसे पीने चाहिए। ये तो मिंटो ने दिखावा करते हैं, ये लोग ऐसे पीते हैं भाई। गाइस सच बताना कि चाय को ऐसे धीरे से पीने से मजा आता है, फिर सुस्की मार के पीने से मजा आता है? कमेंट करके बताना भाई, जरूर है भाई। हम इनको और मुझे तो भाई जोर से सुस्की मारते तब मजा आता है। चाय मीठी और चाय में सुस्की, बस ये होता है। मतलब हवा से खींचो, हवा से मतलब ये आता है। और वो कहीं फंक्शन में चार पांच आदमी बैठ जाते हैं ना, तो भाई साहब मेरे मैं तो थोड़ा साइड में जाके पी लेता हूँ भाई, तुम करो। बज जाते इसके ना, मैं चाय नहीं पीता, फिर तो बिल्कुल ठंडी करके फिर चाय पीता हूँ। बिल्कुल 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 ठंडी हो जाएगी उसके बाद चाय पीता हूँ। चाय पी ऐसा कर ही ना सके। तो गाइस बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। जीजू गए और मैं भी जा रहा हूँ, तो भाई इनको सपोर्ट करना ब्लॉग में। वो साइड थारी रखी जो काट भाई, तो गाइस ये हमें छोड़ के जा रहा है, क्या करे? अरे ये काई लाग रही चरे ये खंदा पे, ये काई से बता दे कि काई से या शॉर्टर ब्लिंक पर लाइट। अच्छा पहले तो कभी देखी को आज तक इसको जड़ा ना नहीं हो चाहिए सही का है, मतलब गाड़िया करेगा चाल भाग। अब तो और पुलिस वाला का लागू हो गया नहीं, पहले तो जी ने बाइक ऐसी जी चला ले जाओ, अब तो और पुलिस वाला रोड पर डोलते हुए भी लगा दिया हुआ कि मैं आ रहा हूँ। यार इससे बहुत फायदा, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते और पता लग जाता है लोगों को, दूर से पता लगा पुलिस वाला है ना। चले नीचे चार्जर रखे तो चार्ज कर दो, ले आना चार्जर। बाय बाय, बैठा रही आजू ना, बैठा रही आजू ट्रेन में आओ। तो गाइस विष्णु तो घर चला गया सुबह सुबह वाली ट्रेन से घर पे, और 9:30 हो गए तो उसके पापा सो गए दूध दूध पी के। तो ये बाहर का व्यू इतना अच्छा आ रहा है, विष्णु के बिना मन भी नहीं लगता। वो ना कुछ कुछ बोलता रहता था, एक्सरसाइज करता रहता था, तो अभी मैं ना उसको कॉल करती हूँ। कहाँ पहुँच गया वो? यू कैन बी हेलो कोड पहुंच गो देखो घर पे हम टायर आज के बाद पास कर के मान लो अब ऑन योर बैक। अच्छा आज 8:30 ही आ जाए ना, मैं तो कोई टाइम देख नहीं देखो। नो तो मतलब राजगढ़ भी कौन पहुंचो? राजगढ़ तो निकल गए होगे विष्णु, काई सु कसी सु गए तो पूजा सु तो रानी खेत को जब भी निकल गो राजगढ़ तो 8:30 है गया बांदीकुई। हाँ बांदीकुई पहुंच वाले 8:30 बजे होगा। तू तो यहाँ खेल चालू और आस पास ही पहुंचो चो। तो गाइस आज मिंटू ये सुख लिया ना, तो गाइस ये आराम कर रही है, मैं ही जाता हूँ इसको लेने के लिए। फोन आ गया इसका, इसको संभाल लेना। आपकी जिंदगी भी खराब ही है हा? सुबह जाते हो कितने बजे जाते हो सुबह? 6:30 बजे और अब क्या टाइम हो गया? 4 बजे नहीं सुबह 5:30 सुबह 4 बजे तो आते हो 3 बजे सुबह 6:30 बजे जाते हो और बेटा तब बज गए 3 बजे कितना लंबा टाइम हो जाता है। बस कल कल और जाने फिर मेरी बिजनेस को छुट्टी को की कर आपको तो हमेशा छुट्टी का इंतजार रहता होगा ना। आपने मार दी नहीं?
ईसु ने कत्ल कर दिया इसका, कत्ल कत्ल कर दिया तेने बच्चा। गाइस पार्क भी आ गई है स्कूल से, बेचारी जिंदगी खराब है। सुबह जाती है 6 बजे और आती है 3 बजे, यानी टोटल कितने आवर्स हो गए बेटा? 9 घंटे घर से बाहर रहती है। और ये देखो इस बैग में इतना वजन होता है जितना पार्थिव में, इतना वजन नहीं, इससे ज़्यादा वजन तो इस बैग में है। चलो इसका स्कूल का नाम पार्थिव है गाइस, घर पे तो इसको यीशु कहते हैं लेकिन घर पे स्कूल में इसका नाम पार्थिव है। अच्छा ये बनाया था आपने? तो गाइस आज यीशु की एक्टिविटी थी स्कूल में, और है ना मैम ने बोला था जूट वाली राखी, मतलब आपको मैं बताऊँ एक आइडिया बता दूँ, मैम ने बोला जूट की राखी बना के भेजना, डेकोरेट वो खुद करवाई थी। तो भाई रात में ना विष्णु भी था यहीं पे, तो हम यूँ सोच रहे थे कि कैसे विष्णु जूट की राखी कैसे आएगी। 10 बज गए थे तब मैसेज देखा, अब दुकानें भी बंद है। मैंने यूँ कि विष्णु बोरी लिया, अपने छत पर बोरी पड़ी, वो मुझसे सूतली निकाल लिया। तो विष्णु लागे वो मुझसे बोरी में से सूतली निकाल, और फिर ऐसे जेवड़ी की तरह बट के और गोल गोल राउंड करके, और देख ऐसी राखी बना के, और फिर ये धागा लगा दिया हमने और इसको दे दिया। इसे सब बच्चों के ऐसी थी जूट की। तो वेरी नाइस, पापा को दिखाओ। वाव डुगु डुगु, हेलो कर दो इस हाथ से गाइज को, सबको हेलो करो इस हाथ से, इस हैंड से हेलो है, हेलो गाइज। और ये मेरी राखी है, और ये मेरी दीदा ने बनाई है मेरे लिए। तो दीदा ने आपको राखी, अच्छा डुगु डुगु की है दीदा के लिए। बस बस तू मान दे तो किस दिन बाहर बोल देगी, इतना कंट्रोल है। एक बात बताती हूँ आपको कि किसी ने एक कमेंट करा था कि आपके पति बहुत मोटे हो रहे हैं। तो देखो मेरे पति उस दिन से बात लग गई, लग चुकी, मतलब थोड़े पसीने पसीने हो रहे। और ये भी देखो साथ में। तो गाइज सब ना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये कमेंट तो जरूर किया करो, 10 कमेंट तो डेली के आने चाहिए ये कमेंट कि अभी भी मोटे हैं, बहुत मोटे हो रहे हो। कोई बोलना कि अरे यार बहुत ही ज़्यादा मोटे हो रहे, तो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि कम से कम पतले तो हो जाएंगे। बात चुभ रही है, मतलब आपकी ये है चुभी ना आपको? पूरी मेहनत, पूरी मेहनत, वाह 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 वाह, शाबाश। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक मैं खाना वाना बना देती हूँ, लंच पैक कर देती हूँ। तो गाइस आपको मैं बताती हूँ, देखो ऐसे होते हैं छुपन छुपाई करते हैं लोग, देखो भूख तो ऐसी होती है। ये क्या कर रहे हैं रे भाई अकेला अकेला ही ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? तो गाइस मैं रोटी बनवाती हूँ, तो ये अपना डेली रोटी कटोरी में लेके और ऐसे छुप के दीवार के पास में। दीदी थोड़ी ना खोस रही है आपसे रोटी, अच्छा दीदी खोस लेती, अच्छा मामा और बना के दे देगी दीदी को। तो गाइस जब आप लोग भी सो, हम भी सो रहे हैं, रात के 11 बज गए, तो आपको गुड नाइट। और हमारा ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, तो मैंने आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, और कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस। कभी तो ना मेरे ब्लॉग पे अगर 500 लाइक आ जाएंगे ना, तो मानूंगी कि हाँ आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। तो गाइस जब तक बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।